बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए टॉपिक के लेके आए हैं, हर बंदे को जिस चीज़ की तलाश है वो मर्दाना कमज़ोरी, चाहे सूरत इंज़ाल हो, ज़कावत सो, मर्दाना टाइमिंग में और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हूँ या मर्दाना टाइमिंग को इनक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो ये वो नुस्खा है जो हर मिजाज पर और हर उम्र में काम करता है। नुस्खा थोड़ा सा ताकतवर ज़्यादा है, थोड़ा इस पे आइटम भी कुछ ज़्यादा, कोई एक दो हैं महंगे, लेकिन नुस्खा कमाल का है। नुस्खे में ताकत है, जान है। ऐसा नुस्खा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब पे या फेसबुक पे या कहीं भी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये हमारा अपना है और हमारा विरासती है। हम यानी कि विरासत से हमारा ये नुस्खा चला आ रहा है, हम इसे इस्तेमाल करते आए हैं लोगों को और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट पाते हैं। ये एक सूरत इंज़ाल के लिए, ख़ास कर कतरे आने, जो कतरे आते हैं ख्याल से या बीवी के करीब जाते ही, तो उसके बाद जब ढीला हो जाता है तो उसको टाइट करने के लिए कमाल की चीज़ है। मादा मनविया को वाफर मकदार में पैदा करेगा, फिर उसे गाढ़ा कर देगा और इतना गाढ़ा कर देगा दाना बन जाएगा, जिसकी वजह से टाइमिंग खूब लगेगी। बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको आप बनाएं एक बार और हमारे कहने पर इसको लाजमी इस्तेमाल करें। लेकिन ये इसमें चीज़ें असल होना लाजमी है, ये शर्त है। बहुत अच्छा नुस्खा है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो मुश्तनी कर चुके हैं, जो ओवर एज हैं, जिनके अंदर जिस्म के अंदर ताकत नहीं है, कमर दर्द है या उनके अंदर कमज़ोरी किसी किस्म की है। सबसे पहली चीज़ जो है मोस्टली सफ़ेद है, इंडिया वाली, ये आपने ले लेनी है। सालब मिस्री है, ये आपने लेनी है। सालब पंजा है, वो आपने लेना है। ये सारी चीज़ें जो ना आपने बाज़ार से, आपको 50 स्टोर पे आम चीज़ें आम अवेलेबल होंगी। गोंद कतीरा है, गोंद बबोल है, तुखम रिहान है, ताल मखाना है और तुखम कलवंजी है, रेग मई है और ज़ाफ़रान है। सब चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है, 10-10 ग्राम ले लें, 12-12 ग्राम ले लें। सबको आपने बारीक पीसना है, बारीक पीस के अलग अलग पीसना है, अच्छे तरीके से पीसना है। पीसने के बाद इसमें तकरीबन 50 ग्राम से 60 ग्राम आपने संगरी मिश्री मिला देनी है, उसको भी बारीक पीस कर इसमें मिक्स कर दें। इसके बाद इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक चम्मच सुबह एक शाम हमारा नीम गर्म दूध से लेंगे तो आपके अंदर मादा मनविया पैदा होगा और वाफर मकदार में पैदा होगा। ये खाना खाने से पहले लेना है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अगर अपनी जवानी बर्बाद कर चुके हैं तो ये वापस आपके अंदर आ जाएगी, टाइमिंग खूब लगेगी और जरासीम पैदा होंगे। मर्दाना कमज़ोरी, सूरत इंज़ाल, ज़कावत क़ुव्वत बाह के लिए कमाल की चीज़ है, अक्सर आज़म नुस्खा है। इसको एक बार लाजमी इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखना।